हमारे जलडेगा प्रखंड से लचड़ा को जाने वाली रोड लगभग 11 किलोमीटर है। यूं तो ये 11 किलोमीटर है, लेकिन 4-5 साल से यह रोड इतना खराब हो गया था कि इसमें आना जाना करने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। रोड ऐसा नहीं होता है, रोड को लोग देखने मने भूल गया है, रोड ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग का गाड़ी बार बार खराब हो रहा है, हम लोग का इतना खराब हो रहा है कि का कहे, पूरा टेम्पू वाला हम लोग परेशान है, प्लस मोटरसाइकिल वाला परेशान है, कितना बार एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैं भी इसी रोड से आना जाना करता था और मुझे भी लगभग ये 11 किलोमीटर तय करने में मुझे 1 घंटा का समय लग जाता था। तो इस समस्या को देखते हुए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया और ये वीडियो प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को मैं दिखाया। और बराबर शिकायत मेरे पास आता है कि रोड के बारे में कुछ कीजिए, लेकिन ये रोड जो है मेरे स्तर का बात नहीं है, ये टेंडर के माध्यम से होना है। और जहाँ तक हमको भी जानकारी है, टेंडर 2-3 बार निकल चुका है, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। जलडेगा में हम भी प्रयास किए 1-2 आदमी से टेंडर लेने के लिए, लेकिन उन लोगों का कहना है कि सर रेट पुराना है और अभी का सब रेट दाम बढ़ गया है, इसलिए भी टेंडर नहीं हो पा रहा है। और जहाँ तक आप लोग कह रहे हैं जिस तरह का सहयोग चाहिए, हम करने को तैयार हैं। रोड बन जाना चाहिए, हम अपने परेशान हैं, इस रोड से जाना आना हमको बराबर रहता है इस रोड में। मैंने इस वीडियो के माध्यम से लोगों को इस रोड के बारे में अवगत कराया और इन लोगों ने इस समस्या को दूर करने के लिए अपने प्रखंड में प्रखंड स्तर से मीटिंग कराए और उसमें इस रोड की मरम्मति का भी मीटिंग हुआ। तो पंचायत समिति में हम लोग का 13वां प्रखंड है, उससे हम लोग इसको मतलब मरम्मति टाइप का मोरम गिरा के थोड़ा कुछ जाने आने के लिए उसको पारित करा के हम लोग इसको मोरम तत्काल गिरा। बाद में टेंडर होगा पक्कीकरण चौड़ीकरण का जैसे प्रावधान है। और पहले टेम्पू भी उतना नहीं आती थी, अभी टेम्पू वगैरह अभी आती है बराबर। देखो 1 घंटा के बाद पहुंच रहा था, अभी 15 मिनट लग रहा है, लेकिन इससे थोड़ा अच्छा बन रहा है। इस काम के लिए मैं प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रमुख और अधिकारी लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं वारले सुरिन, झारखंड सिमडेगा से, इंडिया अनहर्ड के लिए।